आज के टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री काफी तरक्की कर रही है। वहाँ के कलाकार देश और दुनिया में काफी फेमस हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है सिंगर और एक्टर पवन सिंह। अपने दमदार गानों से पवन सिंह ने काफी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है और इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फैंस के साथ साथ पवन सिंह ने इतना कमाया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उससे जी सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं पवन सिंह। पवन सिंह को बचपन से ही सिंगर बनने का जुनून था। उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। बता दें, पवन सिंह ने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की है। इन्होंने बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड से साल 2004 में 10वीं की परीक्षा पास की है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पवन सिंह लग्जरी कार के बहुत शौकीन हैं। इनके पास कई फेमस ब्रांड की गाड़ियां हैं। देखा जाए तो पवन सिंह के पास 20 लाख की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है, करीब 25 लाख की एक टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और करीब 95 लाख की एक रेंज रोवर कार है। पवन सिंह के पास एक स्कूटी भी है जिसकी कीमत 60,000 रुपये है। इनके पास कुल 1,39,75,000 की कीमत की गाड़ियां हैं। अगर हम बात करें पवन सिंह के घर की, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका एक आलीशान फ्लैट है। इसके अलावा मुंबई में 4 फ्लैट्स भी हैं। इन घरों की कीमत करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा है। और तो और, इसके अलावा पटना और आरा में 1 करोड़ की जमीन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह की अनुमानित नेटवर्थ करीब 50 से 65 करोड़ रुपये है। पवन सिंह एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख रुपये तक की फीस लेते हैं, जबकि एक गाने के लिए वो कम से कम 3 लाख रुपये चार्ज करते हैं। इसके साथ ही उनकी एनुअल इनकम लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये बताई गई है। तो ये है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कुल नेटवर्थ। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें बॉलीवुड नाउ।